सुबह जो अभी क्या हुआ यार, बहुत ही बढ़िया हुआ। अभी एक चिंकी मिंगा का कमेंट आया और वो भी रियल वाला नोट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी तो 7 o'clock और 7:30 स्कूल के लिए निकलना है, तो जल्दी से रेडी होता हूँ और फिर चलते हैं स्कूल। सो गाइस, मैं आप देख सकते हो मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ स्कूल। और फिर हम मिलते हैं स्कूल के बाद और फिर देखते हैं कि आज शाम को क्या प्लान है। सो गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ और अब थोड़ा लंच करते हैं, तो देखते हैं क्या बनाया लंच में। तो मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर जाकर मैगी लेके आ जाऊँ, बाहर चलते हैं और मैगी लेके आते हैं। सो गाइस, मैं अब आ गए जनरल स्टोर में, अब लेते हैं मैगी। मैगी कहाँ पे वोरी वोरी दिख गई मुझे, मैगी लेके चलते घर। मान तो ले लिया मैगी, बैग के अंदर मैगी है हमारी। सो गाइस, 4 days पहले स्ट्रेंजर थिंग्स का Volume 2 रिलीज हो गया था। मैंने सोचा, मैंने अभी तक देखा नहीं, तो मैंने सोचा Volume 2 देखते हैं। सुबह जैसे कि मैंने लंच कर लिया मैगी और अभी मतलब ढूंढने डोरेमोन लगा दिया, तो मैंने लैपटॉप में ही कर लिया, टीवी में डोरेमोन देखा, लैपटॉप में स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा हूँ मैं। अभी मैं अभी खा रहा हूँ मिष्टी दही, तो खाने के बाद थोड़ा स्वीट दही खा लेता हूँ। ट्यूशन का टाइम होने वाला है मेरा, तो थोड़ा ट्यूशन का काम कर लेता हूँ जो होमवर्क मिला है, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ और फिर चलेंगे ट्यूशन। वैसे मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन का होमवर्क भी कंप्लीट हो गया मेरा। तो वैसे ट्यूशन जाने से पहले ये क्रीम रोल खा ले फिनिश करके, फिर मैं जाऊँगा क्योंकि भूख लग रही है। अभी लंच करने के बाद थोड़ा पढ़ा और फिर थोड़ा खा के चले जाता, स्नैक्स हो जाएगा। सो मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और बस अब स्कूल का होमवर्क बचा, थोड़ा स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद डिनर करता हूँ, या पहले डिनर कर लेता हूँ, डिनर करने के बाद स्कूल का होमवर्क कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है 8:30, अराउंड 9 हो रहा है, तो ये है ही नहीं वॉच। तो फिर लंच करते हैं और फिर करने के बाद फिर पढ़ेंगे, स्कूल का काम करेंगे। सुबह जी मेरे डिनर आ चुके हैं और आज मम्मी ने डिनर में बनाया है रोटी और ऑमलेट और बैंगन की सब्जी। आप देखते साथ अभी मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड देख रहा हूँ, 2.5 minutes का है, तो थोड़ी सी क्लिप आप लोग भी देख लो अगर आपने नहीं देखी तो स्ट्रेंजर थिंग्स, तो लास्ट एपिसोड देखोगे ना पूरा 2.5 hours का, अभी थोड़ा सा देख लेना है 2.5 hours का पूरा लास्ट एपिसोड। तो ये अभी अभी की सिचुएशन बताते हैं, अभी रशिया में ना, अभी ये लोग रशिया में हैं, तो रशिया में जेल में थे, रशिया की जेल से भाग रही है, और ये अमेरिकन्स हैं, तो रशिया और अमेरिकन्स का थोड़ा बनता नहीं है, तो इसलिए भाग रहे हैं हेलीकॉप्टर। बाकी आप स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स में देख लेना, सिर्फ नेटफ्लिक्स में आएगा, और Volume 2 आ चुका है तो आप देख लेना जल्दी। तो मैं अब मेरा लंच जल्दी फिनिश करते हैं और फिर आगे जाके मुझे अभी मतलब थोड़ी देर बाद पढ़ना भी है, उनका होमवर्क भी करना है जल्दी, जल्दी से लंच डिनर ख़त्म हो। सुबह जो अभी क्या हुआ यार, बहुत ही बढ़िया हुआ। अभी चिंकी मिंगा का कमेंट आया और वो भी रियल वाला, नॉट अ फेक। वेरिफिकेशन बैच भी आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना यार, वन ऑफ द बेस्ट डे इन माय लाइफ आज, तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। आज कमेंट मुझे मिला है तो मैं आपको दिखाता हूँ मॉनिटर में भी, तो मैं क्रोम खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सडनली पापा मोमोज ले आए, तो बहुत बढ़िया बात है। वही इतना बढ़िया लग रहा है ना मुझे कि मतलब चिंगी मिंगी ने मुझे कमेंट कराया, वो भी अपने चैनल से, और वो भी वेरिफिकेशन दिखा रहा है, तो अभी तो पापा से डेली मोमोज ले आए थे, तो सही है भाई, कमेंट की खुशी, साथ में मोमोज पार्टी भी हो गई, मज़ा आ गया। आज का वन ऑफ द बेस्ट डे था मेरा, कि मतलब इतने अच्छे क्रिएटर ने कमेंट करा है, और उसकी पीछे की स्टोरी मैं आपको अभी बताता हूँ। थोड़ी देर में पहले मोमोज फिनिश कर लेता, ठंडे हो रहे हैं। इस देखो ये मेरा चैनल है भाई की, तो देखो भाई, देखो चिंगी मिंगी कमेंटेड और वेरिफिकेशन बैच भी आ रहा है, आप देख सकते हो इट इज़ नॉट फेक, और लिखा भी कमेंट है एक इमोजी इसके साथ, और लिखा है सैम, और बाकी मैंने भी रिप्लाई करा था हेलो दीदा, तो आप देख सकते हो, और पिन कर सकते पिन करी हुई है, तो आप जो मेरी वाली वीडियो थी पैराग्लाइडिंग में, अगर आप चेक करना चाहते हो वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो जैसे कि आपने देखा
कितना अच्छा लगा रहा है, मतलब कमेंट आए इतने बड़े यूट्यूबर का, क्रिएटर का, ये 3 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, और एक बार आपको फिर प्रूफ दिखा देते, फिर आप बोलेंगे भाई तुमने एडिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ चल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है ना चिंकी विंकी वेरिफिकेशन बैग, यहाँ पे क्या है मैं, देखो यहाँ पे चिंकी विंकी का है सैम, और एक इमोजी आया है तो आप देख सकते हो, और बाकी आप वीडियो में चेक इट आउट कर लेना, मतलब इतना अच्छा लगा ना मारो। देखो मैंने जैसे दबाया, देखो आप देख सकते हो चिंकी विंकी 3.8 मिलियन वेरिफिकेशन बैग, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, देखो मैं गया और ये देखो, और ये खुला पेज देखो आप देख लो भाई, बड़ी बहुत बढ़िया। सो गाइस अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ कैसे कमेंट आए और ये सब। तो एक्चुअली क्या हुआ था, फैन फेस था, ठीक है, अच्छे से सुनना सुनना, वीडियो को छोड़िए मत जाना बिल्कुल, देखना बस 1 मिनट की और वीडियो है फिर एंड हो जाएगी, फिर भी पढ़ने भी जाना है, फिर एडिटिंग भी करनी है, बहुत हो गया, अभी हो गए बहुत रात 9:30-10 o'clock हो गए। तो मैं बता दूँ इसकी स्टोरी, अब क्या हुआ था कि यूट्यूब फैन फेस चल रहा था, मैंने रजिस्टर कर दिया, आफ्टर 2 week या 2.5 week के बाद रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया और बुक स्लॉट कर लिया था मैंने। तो फर्स्ट टाइम गया ना तो मैं कुछ बोल पाया नहीं, इतना एक्साइटेड था, मतलब मैंने बोला कि दीदी से बोला था कि दीदी मैं नहीं बोल पा रहा, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपको बोलना पड़ेगा, फिर उन्होंने वीडियो भी बनाई थी अपने मोबाइल से, शायद वो इंस्टा में भी डाली, अगर आपने इंस्टा में फॉलो नहीं करा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप इंस्टा में फॉलो कर सकते हो मुझे, और वहाँ पे जाके मेरे जो यूट्यूब वाला स्टोरी हाईलाइट्स है उसमें चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने डाला था, और फिर मतलब कि कट हो गई थी आफ्टर स्क्रीनशॉट, जिन्होंने फाइन फिश लिया उनको बताएगा आफ्टर स्क्रीनशॉट कट हो गया था। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं दूसरी बार फिर गया, मैंने जितने भी मतलब 3-4 ईमेल्स थी सबसे लॉगिन कर दिया, 2 पे आया था वो भी भाई लकी था, 2 पे आ गया, अगर 1 पे आता तो भाई ज़्यादा बात हुई नहीं, हाफ मतलब 30-40 seconds की थी, 2 minutes का टाइम था, बोल ही नहीं पाया था, पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो गया था। फिर सेकंड टाइम गया, फिर मैं उनसे बात करी और फिर अच्छी तरह से बात करी, बल्कि हमने 4-5 minutes आराम से बात करी थी, और फिर उनसे बात करी हमने। बाकी आप बोला कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं है बिकॉज उन्होंने अलाउ नहीं करा था, और बाकी बस मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहता। तो यही थी थ्रूबैक स्टोरी, और बस उन्होंने कमेंट कर दिया था, मैंने यूट्यूब, उन्होंने बोला यूट्यूब चैनल मिल रहा, हाँ यूट्यूब चैनल है, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप बता दो हम कमेंट कर देंगे, तो मैंने बता दिया, तो उन्होंने फिर हे सैम कर, लेकिन भाई गाइस सिर्फ मेरे में कमेंट करा, और किसी में हाईलाइट्स में जाओगे ना, किसी उनके हाईलाइट्स में जाओगे यूट्यूब फैन पे, किसी ने मेरे कमेंट करा, उन्होंने इंस्टाग्राम का DM या बोला होगा, किसी ने लाइक करा कमेंट करा, लेकिन मैंने सिर्फ बोला था कर दूँगा बस, तो भाई मज़ा आ गया आज। तो गाइस आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ, और अभी 11:30 हो चुके हैं गाइस, और बहुत ही अच्छा दिन गया आज, मतलब कि कमेंट भी लिया और आपको थ्रू बैक स्टोरी भी पता चल गई कि क्या है। तो हम तो आज की व्लॉग यही एंड करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग और न्यू व्लॉग में, जब तक ले बाय।